कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, इस वक्त सर्दी भी बढ़ने लग गई है और साथ साथ फसलें भी बढ़ रही हैं, लेकिन वो किसान साथी जिन्होंने रबी फसलों की बुआई अभी तक नहीं की है और करना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पर यह कार्यक्रम है कि आप रबी फसलों की अगर अगेती आप बुआई करना चाह रहे हैं, पछेती बुआई करना चाह रहे हैं तो क्या करें, और साथ ही खड़ी फसलों में इस वक्त क्या कुछ ध्यान रखना है, कौन कौन से उन्नत कृषि क्रियाएं करनी है, आज के कार्यक्रम में विस्तार से जानेंगे। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुबोध कुमार बिश्नोई, और सुबोध जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में। सुबोध जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, सबको राम राम। किसान साथियों, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फोन नंबर बता देते हैं कि आपकी अगर कोई समस्या है खेती से जुड़ी और खासकर रबी फसलों से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2704999, दूसरा फोन नंबर है 2704098, और जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। तो डॉक्टर सुबोध, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम बदल गया है और अचानक से सर्दी बढ़ने लगी है, रबी फसलें बढ़ भी रही हैं और किसान साथियों ने रबी फसलों की बुआई कर भी ली है, लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, उनको फसल की बुआई करनी भी है, तो ऐसे में इस सप्ताह में खासतौर पर कौन कौन से प्रमुख काम है, कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जो किसान साथी कर सकते हैं? जी मैम, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो इस एरिया की सबसे मुख्य फसल है, जैसे गेहूं के बारे में बात करते हैं। जैसे गेहूं की जो समय से बिजाई जो करनी थी वो किसान भाई कर चुके हैं, तो उसके लिए क्या क्रियाएं करनी है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा, जो अभी बिजाई कर भी सकते हैं, जो पछेती बुआई जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं अभी, क्योंकि इस अभी जैसे लेके अभी आज 4 दिसंबर से लेके और हम लगभग इस महीने के आखिर तक हम जो पछेती बुआई है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ वेराइटीज है, जैसे DBW 90 है, राज 3773 है, ये कुछ वेराइटीज है जो बहुत अच्छी जो गेहूं की बहुत अच्छी वेराइटीज है जो पछेती बुआई करने के लिए, जैसे DBW 90 अभी की करनाल से रिलीज वेराइटी है थोड़े टाइम पहले, इसकी लगभग हाइट 75 से लेके 105 सेंटीमीटर तक होती है, और ये यदि बहुत अनुकूल परिस्थितियां है तो उसमें 60 से लेके 70 क्विंटल और औसत पैदावार लगभग 40 से 45 क्विंटल तक ये दे देती है, तो बहुत अच्छी वेराइटी है। कहने का मतलब ये कि आपने गुणवत्ता तो बताई है इसकी, क्या ये कम समय में और कम पानी में इसका अच्छा उत्पादन हो सकता है? जी, ये तो है थोड़ा पछेती बुआई के लिए, और यदि किसान की कुछ वेराइटी जो है अपने एक राजस्थान की बहुत अच्छी वेराइटी है 3773, वो यदि किसी किसान साथी के पास कम पानी है तो उसके साथ भी वो बहुत अच्छी मतलब पैदावार देती है, तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। तो ये है अभी मतलब जो बिजाई का अभी जो कर रहे हैं किसान भाई उनके लिए है। अब रही बात जो जिन्होंने बिजाई गेहूं की जो कर चुके हैं, अब उनमें क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, और सबसे पहले एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जिनको अभी बुआई करनी है, जैसे पछेती बुआई जिनको करनी है, क्या खेत को भी स्पेशली तैयार करना पड़ेगा? क्योंकि आम समय में अगर बुआई कर रहे हैं तो खेत जैसे तैयार करते हैं, अब पछेती बुआई के लिए समय कम रह गया है तो खेत की विशेष तैयारी की जरूरत है इस वक्त? देखिए, इसके लिए विशेष तैयारी तो जैसे किसान करता ही है, जैसे उसमें प्लेवाल करना है या उसके अंदर पाटा चलाना है या उसको प्लेन करके सब बिजाई करते हैं, वो तो क्रियाएं करनी करनी है। जनरली हम क्या करते हैं, जो समय से बिजाई करते हैं उसमें हम लगभग 10 से 12 क्विंटल टन पर हेक्टेयर हम उसमें गोबर की खाद भी डालते हैं, तो अभी वो दे चुके होंगे किसान साथी, क्योंकि अभी नहीं डाल सकते, वो तो डाल चुके होंगे जैसे वो उसे अच्छी तरह से उसमें मर्दा में मिल जाए तो वो कर चुके होंगे। तो अभी जैसे जिस किसान साथी को अभी बिजाई करनी है तो लगभग उसको 35 से 48 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यूरिया उसको देनी है, बिजाई के साथ देनी है। और जो जिन्होंने बिजाई जो समय से बिजाई कर चुके हैं वो अभी पानी लगाने वाले होंगे, जैसे 21 दिन के बाद जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज हम बोल CRI अवस्था बोलते हैं, तो वो अवस्था अब आ चुकी है, तो उसके साथ उन्हें कम से कम 30 से 35 किलो नाइट्रोजन उसको अभी यूरिया उनको देनी है, थोड़ा माफी चाहूंगा, यूरिया देनी है, नाइट्रोजन में यूरिया देनी है। जी। एक और बात जाननी है, जैसे कि फसल की बुआई कर रहे हैं, किस्म का आपने बता दिया, किस्म अच्छी ले लें, क्या उसका बीजोपचार भी जरूरी है? क्योंकि बीजोपचार कई बार लगता है कि किस्म अच्छी ले रहे हैं तो बीजोपचार ना करें, तो इसका क्या? देखिए मैम, एक जनरल किसान साथियों मैं एक बात बता दूं, जैसे यदि माना जाए ना तो ये माना जाता है कि 30 से 35% तक बीमारियां बीज के द्वारा ही आगे से आगे फैलती है,
तो बीज उपचार एक बहुत मुख्य क्रिया है किसान साथी, क्योंकि बहुत बार हम करते हैं कि इवन कि उसके साथ में पाउच डाला हुआ होता है कार्बेंडाजे मैनकोजे वगैरह का, हम उसे उपचारित नहीं करते हैं। पर आजकल अच्छी बात यह है कि बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी या सरकार की जो राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन से जो मिलता है उसमें हम उपचारित करके ही दिया जाता है। फिर भी मैं कहूँगा कि 1% कार्बेंडेजम या मैनकोजेब के हिसाब से उसमें आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी, ये बहुत ही अहम जानकारी आपने दी। एक और बात, जैसे आपने गेहूं का तो आपने जिक्र किया, गेहूं की किस्में भी आपने बताई, जैसे जो दूसरी फसलें हैं जो है या सरसों है या फिर चना है, उसकी अगर बुआई करना चाहते हैं किसान साथी अभी पछेती, तो क्या वो समय है, सही है इनके लिए? उनका लगभग समय निकल चुका है क्योंकि अभी बहुत लेट हो जाएगा। अब उनकी सब गेहूं की ही है जो पछेती बुझाई हम कर सकते हैं, वो अभी उसके लिए अभी प्रॉपर समय है। जी जी, अब बात कर लेते हैं उन किसान साथियों की जिन्होंने आम जो फसलें हैं वो ली हुई हैं, फसलें बढ़ रही हैं उनकी। कई बार देखने में आता है कि फसलें जब बढ़ रही होती हैं निराई गुड़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं किसान साथी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आने लगती है या फिर खाद उर्वरक में देरी हो जाती है। तो बढ़ती जो फसलें हैं उनमें कौन कौन सी कृषि क्रियाएं वो कैसे कर सकते हैं, समय का खासतौर पर कैसे ध्यान रखें? जी जी, जैसे मैंने अभी बताया गेहूं के अंदर हम सीआरआई अवस्था पे जो 21 दिन पे हम जो पानी दे रहे हैं उसके बाद हमें देनी चाहिए जो 33 किलो यूरिया हम जो दे रहे हैं, एक तो वो है। ये एक्चुअली इसमें ये मैम है कि जितना नत्रजन को हम स्प्लिट करेंगे, जितने ज़्यादा बार देंगे उतना ही अच्छा फायदा होता है। तो एक अभी देना है, एक जब इसके दूसरे या तीसरे पानी के, नहीं दाना बनने से पहले नत्रजन हमेशा पहले ही देनी चाहिए, क्योंकि दाना बनने के बाद यदि नत्रजन कभी नहीं दी जाती है टाइम से दे दो, क्योंकि इससे बढ़वार की तरफ चली जाती है फसल। तो जनरली नत्रजन के जितने भी यूरिया या इससे कंटेंट है वो पहले अप्लाई किए जाते हैं। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि गेहूं में अभी जो फसल खड़ी हुई है उसमें दे सकते हैं, सरसों के अंदर लगभग 33 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से हम ये यूरिया दे सकते हैं। और जैसे अभी जिन किसान साथियों ने पहले बिजाई से पहले यदि फास्फोरस नहीं दिया है तो वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसका भी ध्यान रखें कि जो फसल की जैसे मिट्टी पानी की जांच करवाई गई और उसमें जो सिफारिश दी गई है क्या उसके अनुसार ही नत्रजन का उपयोग करें किसान साथी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि हर किसान साथी को ये बार बार बोला जाता है कि जब आप मर्दा टेस्ट जरूर कराएं, उससे आपको ये पता चलता है कि उसमें कितनी खाद, कौन सी खाद कब देनी है। तो यहाँ मैं एक आपको विशेष बता दूं, एक जो जनरल गलती किसान साथी जो कर रहे हैं वो है कि जो फास्फोरिक फर्टिलाइजर है जैसे डीएपी है सुपर है उसका वो छींटा मारते हैं बाद में बिजाई के साथ या बिजाई के बाद में, बिजाई के साथ देते हैं वो तो ठीक है, पर जो बाद में जैसे अब यूरिया देंगे उसके, जैसे यूरिया का तो हम जनरली छींटा मारते हैं, ऐसे डीएपी या जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स है उनका कभी छींटा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि माना यह जाता है कि जो फास्फोरस है वो भूमि में न घूमने वाला है और जड़ें हम जानते हैं हमेशा नीचे की तरफ जा रही है। तो यदि आप जैसे फास्फोरस वगैरह डालेंगे जिसके अंदर 16% नाइट्रोजन है और 40% यदि उस फास्फोरस है, यदि ऊपर से छींटा मारा है तो वो जमीन के ऊपर ही पड़ी रहेगी फास्फेटिक, वो मर्दा जो जड़ है वो शोषित नहीं कर पाएगी। हाँ, इसका एक तरीका ये है कि आप उसकी बिजाई कर सकते हैं, हल से उसकी कतारों के साथ में बिजाई कर दे। तो जनरली करना क्या आजकल जैसे लिक्विड फॉर्म में खाद उर्वरक देते हैं, तो क्या लिक्विड फॉर्म में दिया जा सकता है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के जरिए? जी 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 मैम, ये आजकल हम दे रहे हैं जैसे नैनो यूरिया वगैरह की रिकमेंडेशन आ रही है, तो वो हम अभी काफी फसलों में ये परीक्षण चल भी रहे हैं और कुछ में है कि आप जैसे तीसरी जो फर्टिलाइजर्स हम दे रहे हैं, जैसे हमने कहा कि पहले पानी के साथ दे रहे हैं अभी नाइट्रोजन, उसके बाद यदि जो आगे वाला है तीसरा तो उसको हम कम कर सकते हैं फोलियर से, जो नैनो यूरिया दे के हम पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। जी जी जी, सुबोध जी एक किसान साथी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, किसान साथी की हमें आवाज नहीं आ रही है। हेलो, किसी तकनीकी खामी की वजह से शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम चर्चा को आगे जारी रखते हैं। जैसे आपने जो खाद और उर्वरक का जो जिक्र किया, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का कितना अहम योगदान होता है गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए? कई बार क्या होता है किसान साथी, अभी जैसे पछेती बुआई किसान साथी करेंगे तो हो सकता है वो खाद और उर्वरक का उतना ध्यान ना रख पाए, तो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए कितना जरूरी है पोषक तत्वों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना? मैम बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक्चुअली चाहे पछेती बुआई करें या समय से बुआई करें, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेने के लिए हमें खाद और उर्वरक का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अभी तक ज़्यादातर जो
कुछ जो उन्नतशील कृषक हैं वो तो सारे जानते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक फास्फेट या सल्फर वगैरह है, इनके बारे में जानने लगे हैं, पर जो आम किसान भाई साथी हैं उनको अभी तक ये नहीं पता चला है कि इनका क्या महत्व है। तो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, यदि जिंक सल्फेट का भी हम स्प्रे कर सकते हैं फोलियर एप्लीकेशन करें, पर ये जिंक सल्फेट में किसान साथियों मैं एक निवेदन करूंगा कि जिंक सल्फेट 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर हमें छिड़कना है। उसके लिए एक चीज ध्यान रखें, इसके लिए मान लीजिए 1.5 किलो है तो उसका आधा यानी 750 ग्राम चूने का पानी जरूर मिलाना है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार ये थोड़ा सा अम्लीय होता है, इसे पत्तियों में जलने के से लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि जिंक सल्फेट अम्लीय है तो चूने का पानी उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो आधी मात्रा जितना जिंक सल्फेट 1.5 kg मैंने बताया तो उसका आधी मात्रा यानी 750 ग्राम रात को डाल के किसी बर्तन में रखे और ऊपर का पानी जो निथार के उसके साथ मिला के ताकि अगले दिन पर्णीय छिड़काव कर दे। तो जिंक सल्फेट देना भी चाहिए और ये पूरे उत्तर भारत की मृदा में जिंक की कमी पाई गई है, तो ये मैं कहूंगा कि किसान साथी जरूर जिंक सल्फेट का फोलियर एप्लीकेशन करे तो वो बहुत ध्यान रखें इसका। एक और अहम बात जहन में आ रही है मेरे, जैसे किसान साथी खाद उर्वरक का जो भी आपने बताया यूरिया का भी छिड़काव करेंगे, लेकिन इसी दौरान अगर फसल बढ़ रही है तो खरपतवार भी बढ़ जाती है, तो क्या आपकी तरफ से, मैं जानना चाहूंगी कि खरपतवार को पहले हटाना जरूरी है इस तरह के पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने के लिए, अदरवाइज वो वहां वेस्ट हो सकता है, तो आप क्या सलाह देंगे? मैम देखिए अभी तो क्योंकि वो 2-3 प्रकार के खरपतवार नाशक आते हैं, एक तो जो खड़ी फसल में छिड़के जाए वो सब फसलों के लिए अलग अलग होते हैं, तो वो किसान साथी कृपया अपने नजदीक के कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र से उनके बारे में पूछ सकता है कि कौन सी फसल में, क्योंकि इसके बारे में ये जैसे कहते हैं ना ये दुधारी तलवार है जो खरपतवार नाशी है, तो उनका बड़ी सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि जो चौड़ी पत्ती वाले हैं वो जैसे सरसों में छिड़काव वाला है वो आप गेहूं में नहीं कर सकते या गेहूं वाला सरसों में नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा किसान साथियों को मेरी ये प्रार्थना है। और इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे आप कुछ हार्मोन्स जैसे 2,4-D वगैरह है या कोई चौड़ी पत्ती वाले हैं तो उनकी इवन आसपास से हवा भी आ जाती है तो भी वो काफ़ी नुकसान कर जाते हैं, तो इनका प्रयोग करते हुए किसान साथी बहुत ध्यान सावधानी रखें इनके बारे में। निराई गुड़ाई एक अच्छा तरीका है, निराई गुड़ाई से हटा सकते हैं। निकाई गुड़ाई तो वो तो उसका कोई तो है ही नहीं, मतलब उसका कोई आप कह सकते हैं कि विकल्प ही नहीं है। जी जी, और इसके अलावा जैसे आप दवाओं का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जैविक तरीके भी हो सकते हैं जिनसे खाद और उर्वरक जो है वो पूरा किया जा सकता है, या फिर रोग और कीट का नियंत्रण अगर करना है तो क्या जैव आधारित जो उत्पाद है वो इसमें काम में लिए जा सकते हैं? देखिए जैव आधारित अभी आजकल एक ये नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रचलित भी हो रहा है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा है कि कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसके लिए बहुत सारे हैं, पर अभी तो हम जैसे जनरली जो साथी नहीं कर रहे हैं उनके लिए अभी जो कुछ कीट है, जैसे हम बात करें कि मैं चेपे की बात करूं गेहूं के अंदर, तो इसके लिए थायोमेथेक्साम का प्रयोग कर सकते हैं, एक आजकल हल्दिया रोग या पीली रोली रोग जिसको बोलते हैं, इसकी पहचान का तरीका मैं बता दूं, अभी थोड़ा सा समय है, ये फरवरी एंड या मार्च में आता है, तो किसान साथी जैसे पत्ती के ऊपर जैसे पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे, जब यूं हाथ से घुमाएंगे पत्ती के ऊपर तो उभरे हुए निशान दिखाई देते हैं, और जब एक सीध में 3-4 डॉटेड दिख जाए इसका मतलब ये होता है कि उसकी प्रॉब्लम्स आ गई है। ये मैम प्रॉब्लम्स सबसे पहले हिमाचल में पहाड़ों में थी, कुछ साल पहले ये नीचे पंजाब तक आ गई और उसके बाद गंगानगर राजस्थान से होते हुए अभी काफ़ी एरिया में पहुंच गई है, और इसमें पहले एक्चुअली इसका पता कम चलता है, और फिर एकदम जब ये इसे ब्रस्ट हो जाता है किसान को जब हल्दी जैसा रंग दिखता है तब उसको लगता है कि तब वो छिड़काव करता है, तब उसका कोई फायदा नहीं है। इसके लिए टेबुकोनाजोल या टिल्ट के नाम से जो आता है उसके 1% 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करने पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप 10-15 दिन के बाद इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर गेहूं और जो की अगर हम बात करें या दूसरी जो फसलें हैं रबी फसलें उनमें किसी तरह का रोग ना लगे उसके लिए क्या निगरानी की आवश्यकता है इस वक्त और या क्या सावधानी बरत सकते हैं? मैम सावधानी तो सबसे अच्छी यही है कि आप उसमें जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके ऊपर ही आप कंट्रोल कर लें। प्रारंभिक अवस्था पे ही यदि आप किसान साथियों के यही है कि आप खेत में रोज जाते रहें देखते रहें सो आप अर्ली स्टेज पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात और जानना चाहूंगी। अच्छा किसान साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं पहले फोन लाइन पर, आपसे हम जुड़ेंगे। हेलो हेलो हाँ जी कौन बोल रहे हैं? जी कृषि दर्शन में स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
जी जी तेजाराम जी झालावाड़ से बोल रहे हैं, गेहूं में पीलापन आ रहा है। जी जी सुबह जी क्या करें, गेहूं में पीलापन आ रहा है। तेजाराम जी कितना टाइम हो गया आपको बिजाई किए हुए, आप मेरी आवाज सुन सकते लगता हैं? है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर गेहूं में पीलापन है तो क्या समस्या हो सकती है? देखिए मैम, दो तीन कारण है। एक बार तो इवन मोलिया रोग में भी ये माना जाता है कि उसमें पीलापन दिखाई देता है, पर वो कम होगा जैसा मुझे लग रहा है जिस हिसाब से उसमें मुझे जो संभावना लग रही है वो यही है कि नाइट्रोजन की उसमें कमी होगी, या तो उन्होंने पहले यूरिया नहीं दी होगी, तो अभी जैसे मैंने बताया पहले पानी के साथ 30 से 35 किलो यूरिया उनको दे देनी चाहिए, तो वो इस यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। या एक बार कई बार ये भी देखने में आता है कि पानी की सिंचाई अगर ज्यादा कर दी और पानी भरा हुआ है तो भी फसल पीली हो बिल्कुल, सकती है? बिल्कुल हो सकती है मैम, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की मृदा है। यदि कहीं किसी में पानी रुक जाता है तो वो भी नुकसान करेगा, क्योंकि जड़ें भी हम सांस लेती है, जब यदि पानी खड़ा रहेगा तो वो सांस नहीं ले पाएगी, तो इसलिए वो पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाएगी और बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो एक वो भी कारण हो सकता है। जी जी, अनाज फसलों पर आपने काफी अच्छी जानकारी दी है, मैं बागवानी फसलों पर जानना चाहूंगी कि इस वक्त बागवानी जो किसान साथी कर रहे हैं, चाहे वो फलदार पौधों की या सब्जियों की, आपकी तरफ से क्या इस सप्ताह में क्या कर सकते हैं किसान साथी? देखिए अभी तो जैसे जनरली माना जा रहा है कि जैसे जोन 1B के हिसाब से यदि देखा जाए गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में किन्नू की बहुत अच्छी फसल अभी चल रही है, हार्वेस्टिंग अवस्था है। इसमें थोड़ा सा पहले मैं कहूंगा किसान साथियों को, इसके अंदर एक बड़ा छोटा सा ही तरीका है, आप करके देखिए, एक पोटेशियम नाइट्रेट का 1% के हिसाब से उसके अंदर छिड़काव करने से उसमें जैसे जो सुनहरा कलर आता है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। इवन इसके अलावा जिन्होंने नए बगीचे लगाए हैं फलदार पौधों के, चाहे वो नींबू के हैं, आंवले के हैं, वो इस वक्त कौन कौन सी कृषि क्रियाएं कर सकते हैं? देखिए मैम अभी तो जैसे जनरली खरपतवार नियंत्रण वगैरह यही करे, उसमें अभी कुछ खाद पानी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो नए लगाए हैं उसके अंदर वो खाद वगैरह दे रखा है उन्होंने, तो अभी तो आप उसको मतलब सर्वाही करवाना है, क्योंकि इस टाइम के क्या होता है कि जब जो ही सर्दी आती है पौधा एक प्रकार से सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाले से बचाव करना कितना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है और सारी ही फसलें बढ़वार पर है, पाले का बचाव बेहद जरूरी है, तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय बताएं? देखिए जो किसान साथी समझदार हैं, जो बहुत सालों से खेती कर रहे हैं, उनको तो पता होगा जिस दिन रात को आसमान साफ हो और यदि हल्की हवा रुकी हुई हो तो ये माना जाता है कि अगले दिन पाला पड़ेगा। तो इसके लिए एक तो है कि जैसे जो किसान साथी स्प्रिंकलर्स या करते हैं तो वो तो अपने पानी लगा सकते हैं, पर जैसे जहाँ नहर से पानी लगता है तो वहाँ तो हर जगह ऐसा असुविधा है नहीं कि वो जब मर्जी आए पानी लगाए, क्योंकि वो तो एक सप्ताह में एक बार ही आएगा, तो इसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव कर सकते हैं, पॉइंट जैसे एक, गंधक हम बोलते हैं, गंधक गंधक का 0.1 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि छिड़काव करें तो आप इसमें बचाव कर सकते हैं। यदि किसी के पास पानी की सुविधा है तो पानी लगाने से भी होता है, इवन यदि धुआं किया जाए कुछ लकड़ी वगैरह धुआं कार्बन यदि जलाया जाए तो धुएं से भी पाले में बचाव होता है। एक और किसान साथी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो जी मैम, जी कृषि दर्शन में स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। ये बोल रहे मैम कि बुवाई करना है 1 हेक्टेयर में गेहूं की, तो DAP कितना डालें 1 हेक्टेयर? जी राहुल यूपी से फोन किया, राहुल जी आपने? जी जी राजस्थान में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमें खुशी है कि आप राजस्थान में हमें फोन कर रहे हैं। सर वो गेहूं की बुआई करना चाहते हैं और DAP कितना डालें इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा एक्चुअली हमारे एरिया में तो लगभग 20 किलो DAP का है, तो आपके हिसाब से थोड़ी भारी मर्दा है, तो आप पहले तो यदि हो सके आपने टेस्ट करवाया है कि नहीं करवाया, नहीं तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रिकमेंडेशंस है, तो आप ये डाल सकते हैं 20 से 30 किलो के आसपास भी, क्योंकि थोड़ी सी आपकी वहाँ मर्दाएं अलग तरह की होती है, तो मैं तो पहले ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले मर्दा परीक्षण करवा लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो जो रिकमेंड करे आपको। तो आपने मर्दा परीक्षण करवाया है कि नहीं करवाया है अभी? राहुल जी अगर आप जैसा कि सर को सुन पा रहे हैं, अगर आपने मृदा परीक्षण नहीं करवाया, यानी मिट्टी की जांच आपने नहीं करवाई है, तो मिट्टी की जांच आप जरूर करवा लें, ताकि आपको कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है वो आपको पता चले। और दूसरा आप जरूर अपने इलाके के जो आपके कृषि के अधिकारी हैं उनसे आप जरूर राय ले लें, ताकि आपके इलाके की समस्या को वो बेहतर समझकर आपको सलाह दे सकते हैं। यदि वैरायटी के रूप में मैं बता दूं तो DBW 90 जो है वो आपके जोन के हिसाब से भी रिकमेंडेड है, आप वो उन्नतशील वो वैरायटी या किस्म लगा सकते हैं, ये करनाल के द्वारा विकसित की गई किस्म है,
तो ये लेट पछेती बुआई के लिए बहुत अच्छी किस्म है, आप इसको लगवा सकते हैं। जी जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी। तो सब अभी जाते जाते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, खासकर पूरे सप्ताह के लिए किसान साथी रबी फसलों की कैसे सार संभाल करें? मैं तो एक तो यही कहूंगा कि आप किसान साथी यदि नहीं हो तो कम से कम एक दिन में एक बार आप जरूर मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से चाको चौबंद होके अपने खेत का परीक्षण करें, देखिए उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जैसे मैंने की आपकी उसके अर्ली आप प्रारंभिक अवस्था पे यदि आप उसको पहचान लेते हैं तो कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। मैं यही कहूंगा किसान साथी अपने खेत में लगातार जाते रहिए पानी के, जैसे अभी मैंने बताया गेहूं में पहला पानी आप लगा दीजिए, यदि जिन्होंने लगा दिया तो दूसरे पानी के साथ दूसरे पानी का, यदि क्योंकि इसके अंदर 6 पानी की आवश्यकता होती है तो कई उन जिन्होंने यदि 5 अक्टूबर के आसपास बिजाई किया तो उसका दूसरा पानी भी लग रहा होगा तो उसके साथ 16.5 किलो नतजन दूसरी डोज जो देनी है यानी तीसरी जिसको बोल सकते हैं जो ऊपर से दूसरी है उसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं अभी, तो यही आप जी जी ज्यादा जी। ध्यान रखें। बहुत ही अहम जानकारी आपने दी। तो किसान साथियों जितनी भी जानकारियां डॉक्टर सुबोध ने आपके साथ साझा की हैं वो आपके लाभ के लिए, और सबसे अहम ये कि निगरानी करते रहें समय पर, जो भी आपको समस्या दिखती है उसका उपाय आप कर सकते हैं, और सबसे अहम सर्दी बढ़ रही है तो पाले से फसलों को जरूर बचाएं ताकि आप अच्छा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले सके। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिख भेजिए चिट्ठी। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डूंगरी, जयपुर। तो रुक साहब आज अपने कार्यक्रम में बहुत समय दिया, बहुत अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे होगी फिर मुलाकात नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। राम राम।